तो दोस्तों आज मैंने कुछ फिर प्लांट खरीदे हैं रोड साइड नर्सरी से, तो इसी का आज हम रेट बताएंगे और केयर किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों आप लोग के पास इस प्लांट का रेट क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पहला प्लांट है दोस्तों इंजॉय पोथोस का प्लांट है और ये एक मनी प्लांट का ही वैरायटी है और देख सकते हैं इसका लीफ काफ़ी अच्छा है। और दूसरा है दोस्तों ड्रेसिना का, और ड्रेसिना का हम दो वैरायटी खरीदे हैं तो इसका लीफ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लीफ है इसका भी। और तीसरा है दोस्तों गोल्डन शाही का प्लांट है और ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और चौथा है दोस्तों क्रोटोन का, और इसका लीफ देख सकते हैं काफ़ी दिखने में खूबसूरत है। और देख सकते हैं ये है ड्रेसिना का दूसरा वैरायटी है। चलिए दोस्तों एक एक करके सारा रेट आपको बताते जाते हैं और केयर किस तरह से किया जाता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देख सकते हैं पहला जो प्लांट है इंजॉय पोथोस का है, और इसका दोस्तों बहुत अच्छे से केयर करना नहीं पड़ता है और मेंटल लीफ वाला प्लांट है। और दोस्तों इंडोर एयर प्यूरीफाई प्लांट है, बहुत इजीली ग्रोथ कर जाता है। जिस तरह आप मनी प्लांट को केयर करते हैं उसी तरह आपको इसको भी केयर करना पड़ता है और बहुत इजीली ग्रोथ करता है, तो इसको आप ज़रूर अपने घर में लगाएं, बहुत अच्छे से चलने वाला पौधा है। ये मुझे 30 रुपये में मिला था। और दूसरा है दोस्तों ड्रेसिना का, इसका रेट मुझे 50 रुपये का पड़ा है और ये भी एक इंडोर प्लांट है और इसको भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसे सुबह की 1-2 घंटे की धूप लग जाएगा, उसी में आपका जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और इसे आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं जहाँ ब्राइट लाइट इसे मिलता रहे, और इसे आप कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जब ये भूसी हो जाएगा तब बहुत दिखने में अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों एक बार आप ड्रेसिना को भी अपने घर में लगा सकते हैं, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ये सब प्लांट को, तो ज़रूर आप एक बार लगा के देखें ड्रेसिना को, बहुत अच्छा प्लांट है। और तीसरा है दोस्तों गोल्डन शाही का, और एक आउटडोर प्लांट है और इसको भी आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ इसे 1-2 घंटे की धूप मिलती रहे, वैसी जगह इसे आप रखें। और चौथा है दोस्तों क्रोटोन का, लेकिन क्रोटोन को आपको ज़्यादा केयर करने पड़ती है। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो आपको पानी का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है, अगर इसे ज़्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जब इसका जो पानी सूखने के बाद लीफ नीचे की ओर झुक जाता है तभी आप इस पर पानी डालिए। दोस्तों गोल्डन शाही का जो मेरा रेट पड़ा था 70 रुपया पड़ा था और क्रोटोन का 60 रुपये पड़ा था मुझे रेट। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ क्या रेट में ये पौधा मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।